नमस्ते, मेरा नाम रत्नेश पांडे और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबर। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी, 24 घंटे में 290 की मौत और मिले 30,000 से ज्यादा नए केस। गोरखपुर में कोरोना का कहर, 848 नए मरीज मिले। गोरखपुर में नगर निगम ने शमशान घाटों के बाहर लगाया बड़े बड़े बैनर, लिखा तस्वीरें लेना दंडित अपराध, विवाद के बाद हटाया। गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र के गांव में दिव्यांग महिला को बंधक बनाकर रेप, सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन अभियान, 500 महिलाओं को भी मिली जिम्मेदारी। गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान कई सारी दवाएं बाजार से गायब, डॉक्टरों का पर्चा लिए मेडिकल की दुकानों पर घूम रहे हैं लोग। गोरखपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए करना पड़ रहा है 8-8 घंटे तक इंतजार, होम आइसोलेट मरीज परेशान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव वोटों की गिनती जारी, लॉकडाउन के बावजूद मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बड़ी मृत प्रमाण पत्र बनाने वालों की संख्या लगातार आ रहे आवेदन। कानपुर के चर्चित गाँव बिकरू का आया नतीजा, 25 साल बाद निष्पक्ष चुनाव, मधुबनी प्रधान। महाराजगंज जिले के निचलौल SDM ने मतगणना केंद्र पर गरीब का ठेला पलटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा के गांव खरैना में प्रधान पद की प्रत्याशी शुक्रवार रात कोरोना से हो गई थी मौत, मतगणना के बाद आया परिणाम, 165 वोट से मिली जीत। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर ममता बनर्जी को दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई ने रचा इतिहास, 50 वर्षों में पहली बार पड़े वोट, आया परिणाम, मुलायम के समर्थित प्रत्याशी की जीत। इटावा जिले के भड़थाना रेलवे स्टेशन के पास जानवर से टकराई मालगाड़ी, 2 हिस्सों में बटी, ट्रेन रोककर जोड़ी गई बोगी। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।